सोमवार को हिंगना थाना क्षेत्र में पत्नी के बाहर अवैध संबंध होने की गलत जानकारी देने वाले दोस्त को ही दोस्त ने कट्टे से गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। सोमवार को हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के कृष्णनगर परिसर में हत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अविनाश घुमड़े और आरोपी दीपक धनचक्कर ये दोनों पिछले एक से डेढ़ सालों से अच्छे दोस्त थे। दीपक पहले गोदनी क्षेत्र में रहता था, मगर वहां कुछ विवादों के कारण वो कृष्णनगर में रहने आया था। ये घर भी अविनाश ने ही दीपक को दिलाया था, मगर अविनाश हमेशा दीपक को उसके बीवी के बारे में कान भरता था। एक बार जब अविनाश ने दीपक से कहा कि तेरी बीवी का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसी बात को कर दीपक और उसकी बीवी के बीच विवाद हुए। हत्या के दिन दीपक ने अविनाश को घर बुलाया, अविनाश भी अपने दोस्त के साथ अविनाश घर गया। वहां जाने के बाद भी इनमें विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दीपक ने घर में रखे कट्टे से अविनाश पर दो गोलियां चला दी और बीवी शिवानी धनचक्कर के साथ फरार हो गया। जानकारी ये मिल रही है कि क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने दीपक के परिवार को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इस मामले में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में और कुछ लोग शामिल होने की आशंका है। काल पोलीस स्टेशन हिंगणाहद्दी मध्ये श्रीकृष्णनगर येथे एक हत्येची घटना घडलेली आहे। त्यामध्ये आरोपी दीपक धनचक्कर खट्या यांनी त्याच्या मित्र असलेला अविनाश घुमडे याला बुलेट फायर केली आहे त्यावर अग्निशस्त्राने, आणि त्याच्यावर दोन बुलेट फायर झालेली आहे। डॉक्टरांनी उपचार केल्यानंतर त्याला मृत्यू घोषित केलेला आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन हिंगणा येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। आरोपींचे शोध कामी आम्ही विविध तपास पथके करून रवाना केलेली आहे। नमूद प्रकरण हे प्राथमिकदृष्ट्या आम्हाला प्रथमता एक अनैतिक संबंधाच्या प्रकरणातून असल्याचं जाणत आहे, त्याबद्दल अधिक तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।